हम भूगोल शिक्षण के बारे में कि भूगोल शिक्षण से संबंधित जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हम आंसर्स देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला प्रश्न हम भूगोल से संबंधित देखेंगे कि भूगोल का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, इसकी परिभाषा क्या होती है, इन सारे शब्दों को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों भूगोल के अर्थ से कि भूगोल किसे कहते हैं। दोस्तों ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी यूनानी के दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दोनों शब्द कौन कौन से? दोनों में से पहला शब्द है हमारा जियो और दूसरा ग्राफो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। समझ में आ रही बात? भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं और ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो, और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। इस आधार पर ज्योग्राफी यानी भूगोल का सामान्य अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना। अब आप चूंकि भूगोल के विद्यार्थी हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी के ऊपर उपस्थित जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, उसके वातावरण या उसकी नदियाँ नहरें, इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। वास्तव में आप क्या करते हैं दोस्तों? पृथ्वी का वर्णन करते हैं। इसी को हम भूगोल कहते हैं। भूगोल का मतलब तो ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफी अर्थात पृथ्वी का वर्णन। अर्थ समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन व्याख्या कर सकते हैं, जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण पृथ्वी का भौतिक स्वरूप, जलवायु, वनस्पति, खनिज, मानव शक्ति से उत्पादन इत्यादि आता है। मूल रूप से भूगोल में पृथ्वी की सतह पर मौजूद प्राकृतिक एवं मानवीय भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए शाब्दिक अर्थ में भूगोल वह विज्ञान है, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के भूतल का स्वरूप, भौतिक आकृति, जलवायु, वनस्पति, राजनीतिक विभागों, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, मानव बस्तियों एवं मानव व्यवसाय का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया? आसान से शब्दों में बस यूँ समझ लीजिए कि पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। चलिए बहुत से दोस्तों अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो अमेरिकन विद्वान प्रेस्टन जेम्स ने कहा था कि भूगोल विद्या अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें कि स्थान विशेष को लक्षण प्रदान करने वाली घटनाओं के समूह का वर्णन किया जाता है। ऐसे स्थान में समानता एवं विभिन्नता दोनों ही विभिन्न स्तरों में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो रूसी भूगोलवत्ता आईपी गोरासिमो के अनुसार, गोरासिमो ने 1962 में भूगोल की परिभाषा देते हुए क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति और मानवीय तथ्यों की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा निर्मित सम्मिश्र समाकल प्रदेशों की व्याख्या करते हैं। तो ये उसकी परिभाषा है। परिभाषा थोड़ी सी टिपिकल यहाँ पे दी है, जो भी परिभाषा आपको समझ में आए उसको आपको याद करना है, बहुत टिपिकल पे नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भूगोल के क्षेत्र में पूछे कि भूगोल का अध्ययन क्षेत्र का क्या क्या होता है, भूगोल के अध्ययन कौन कौन से क्षेत्र में की जाती है, तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिए। भूगोल दर्शन के रूप में जैसे भूगोलिक विधि तंत्र, भूगोल के विकास का इतिहास, ये सारी क्या है? भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो खगोलीय, एस्ट्रोनॉमी, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान और हिमनद विज्ञान, मृतिका भूगोल, वनस्पति भूगोल, ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों? भूगोल के अध्ययन क्षेत्र हैं। ओके, आर्थिक रूप से बात करें तो आर्थिक भूगोल के अंदर कृषि भूगोल, निर्माण उद्योग भूगोल, भूगोल परिवहन उद्योग भूगोल, भूगोल वाणिज्य भूगोल, ये सारी चीज़ें भूगोल के अध्ययन क्षेत्र हैं। ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स आपको याद आते हैं इन पॉइंट्स के आधार पर आप इसको लिख सकते हैं। दोस्तों भूगोल से संबंधित कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि भूगोल शिक्षण की विधि कौन सी है, भूगोल पढ़ाने में कौन कौन से विधि का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे निगमनात्मक तथा आगमनात्मक विधि, संश्लेषण तथा विश्लेषणात्मक विधि, वस्तु विधि, दृष्टांत विधि, व्याख्यान विधि, ठीक है, ये कथन विधि, मतलब कथन विधि या व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कर के सीखने की विधि, कर के सीखने को हम प्रयोजन विधि कहते हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों शोध विधि, तो इस विधि का आप स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों? भूगोल शिक्षण की विधियाँ हैं। आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि भूगोल शिक्षण की विधियाँ लिखिए तथा किन्हीं दो या तीन को आप एक्सप्लेन करिए। तो व्याख्यान विधि कर सकते हैं, व्याख्यान विधि का मतलब जिसमें हम व्याख्यान लेक्चर भाषण के द्वारा पढ़ाते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि में जिसमें प्रश्न करके सीखने, प्रोजेक्ट मेथड या फिर इसको सॉरी प्लानिंग परियोजना विधि भी कहते हैं, तो इसमें हम करके सीखने की विधि की बात करते हैं। वस्तु विधि या फिर दृष्टांत विधि, तो आप इनमें से किसी दो तीन के एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन भूगोल शिक्षण की विधियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं इसके अलावा। दोस्तों अब आइए बात करते हैं हम कि भूगोल पढ़ाने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं।
मतलब आप किसी को भूगोल छात्रों को पढ़ाते हैं तो उसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया गया इसके उद्देश्यों को, तो वो इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया कि भूगोल शिक्षण के उद्देश्य और उद्देश्यों को तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत यानी कि बांटा जाता है। पहला क्या है दोस्तों, वह उद्देश्य जो व्यवहारिक उद्देश्य हो या मूल्य हो, अब बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन आता हो। दूसरा सांस्कृतिक और बौद्धिक उद्देश्य। तीसरा सामाजिक और नागरिकता उद्देश्य। तो इन तीन बिंदुओं के आधार पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्यों को वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड किया गया। तो हम पहला अगर बात करें कि व्यवहारिक उद्देश्य का मेन पॉइंट यहाँ पे देखिए, भूगोल पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मानसिक अनुशासन प्रदान करना, भूगोल विचार और क्रिया की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना, मानसिक अनुशासन तथ्यों को अलग करके उन प्रभावों की व्याख्या करना और सही निष्कर्ष निकालने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आवेदन के माध्यम से आता है। अब इसका कहने का मतलब समझिए। इसके अलावा भी और पॉइंट्स यहाँ पे देखें, जैसे कि सड़कों, नहरों, रेलवे आदि के निर्माण तभी किया जा सकता है जब प्रशासन क्षेत्र भौतिक विस्तार का चित्र जानते हो। सिंपल सी बात है दोस्तों कि भौगोलिक मूल्य का मतलब ये होता है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसकी भौगोलिक संरचना क्या है, उसकी भौगोलिक प्रकृति क्या है, ठीक है, इन चीज़ों को जानना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप कोई घर बना रहे हैं, ठीक है, तो वो घर कितने मंजिल का होगा, उस घर के नीचे की ज़मीन की भौगोलिक संरचना क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे भूकंप का क्षेत्र हो जहाँ पे हर बार भूकंप आता है, या फिर वहाँ पे क्या बर्फ़ की वर्षा होती है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है, इन सारी चीज़ों के मूल्यों को आपको जानना है। तो इसलिए आप बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो हर एक भौगोलिक चीज़ें जाने, आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से वो सावधान रहे, उनके बारे में जानकारी रखें। तो ये हम लिखेंगे पहले पॉइंट में व्यवहार या मूल्य के पॉइंट। अगर हम दूसरा बात करें कि सांस्कृतिक और बौद्धिक उद्देश्य, तो सांस्कृतिक और बौद्धिक उद्देश्य का मतलब भूगोल एक सांस्कृतिक उद्देश्य भी है। यह अज्ञात को जानने, अदृश्य को देखने और अतः को समझने के लिए बच्चों की वृत्ति को तेज करता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, भूगोल जब ठीक से पढ़ाया जाता है तो अवलोकन और स्मृति की अभ्यास उत्कृष्ट अवसर मिलते हैं। यह तथ्यों को प्रस्तुत करके सोचने, तर्क और कुछ वैज्ञानिक आदतों को स्थापित करते हैं। यहाँ विद्यार्थियों को सामान्यीकरण और निष्कर्ष निकालने की, तुलना करने की क्षमता की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार के भूगोल के उद्देश्य दिए। तीसरा पॉइंट हमारा सामाजिक या नागरिक, मतलब भूगोल पढ़ने से एक इंसान सामाजिक रूप से और कैसे बेहतर बनता है। तो भूगोल अन्य लोगों के जीवन और समस्याओं के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए संभावनाएँ प्रदान करता है। वास्तव में यह विद्यार्थी में एक सामाजिक सहानुभूति, दूसरों के प्रति संबंध की भावना विकसित करता है, ठीक है। चलिए, भूगोल शिक्षण में बच्चों, सॉरी यहाँ पे देखें कि भूगोल शिक्षण में बच्चों को अपने आत्म केंद्रित अलगाव को छोड़ने और यह महसूस करने में सक्षम बनाता है कि उसके जीवन के संकीर्ण दायरे से परे एक बड़ा मानव संसार है। मतलब स्वार्थ से हटके वो संपूर्ण विश्व के बारे में सोचने की कोशिश करता है। ये हो गई बात दोस्तों भूगोल के शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। अब कुछ और पॉइंट हम देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, मान लीजिए अगर आपसे पूछता है कि भूगोल के शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, मतलब जो भी भूगोल शिक्षक है उसके गुण क्या होने चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों ये पॉइंट हमने कई बार डिस्कस किया है और हर एक विषय में डिस्कस किया, इसको फिर से समझ जाइए। पहला तो विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, उसको भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण के सिद्धांतों व विधियों का ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान, बाल प्रकृति का ज्ञान, कुशल कक्षा नियंत्रक मतलब एक गुड क्लासरूम कंट्रोलर होना चाहिए, एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए दोस्तों, साहित्यिक कहानियों का ज्ञाता होना चाहिए, अफेक्टिव पर्सनालिटी उसका प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व होना चाहिए, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष हो, वो ईमानदार हो, न्यायपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और उसका वेशभूषा भी सही होना चाहिए। तो ये दोस्तों क्या है, एक अच्छे शिक्षक की क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, गुण है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि भूगोल शिक्षक के क्वालिटी बताइए, गुण बताइए, तो इस पॉइंट के आधार पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों जैसे पाठ योजना के बारे में कि पाठ योजना क्या आता है, ठीक है। तो देखिए, पाठ योजना से आशा है शिक्षक की उस तैयारी से जिसमें वह कक्षा में प्रवेश करने से पहले निश्चित कर लेता है कि उसे विद्यार्थियों को क्या, क्यों, कैसे और किसकी सहायता से पढ़ाना है। दोस्तों पाठ योजना मतलब आप पाठ शुरू करने से पहले एक योजना बना लेते हैं कि बच्चों को क्या, कैसे और किसकी सहायता से पढ़ाना है, उसी तैयारी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पाठ योजना कहते हैं। और दूसरों शब्दों में कह सकते हैं, इस प्रकार से स्पष्ट है कि पाठ योजना शिक्षक की शिक्षण के लिए एक तैयारी है जिसमें वो कक्षा में प्रवेश करने से पहले उन बहुत सी बातों को लिखित रूप में निश्चित कर लेता है जिसके द्वारा वह सहायता से उसे अपने शिक्षार्थियों को कक्षा में क्या करना है, सुचारू रूप से पढ़ाना है।
दोस्तों पाठ योजना के बारे में अक्सर आपसे सवाल पूछता है, और भी पाठ योजना के जैसे टॉपिक की अगर हम बात करें पाठ योजना के बारे में, तो इसकी परिभाषा आपसे पूछ सकता है। तो पाठ योजना की परिभाषा आप ये देख लीजिए, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से योकाम तथा सिम्पसन ने कहा था कि शिक्षक अपनी पाठ्य सामग्री एवं अपने छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन सब का प्रयोग पाठ योजना में किया जाना होता है, ठीक है, ऐसा कहा था इन्होंने। अगर वहीं हम बात करें जोसेफ लैंडन ने क्या कहा था, पाठ योजना को हम कागज़ पर स्पष्ट रूप से अंकित की जाने वाली पाठ की रूपरेखा कहकर परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें पाठ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट रूप से आ जाते हैं, चाहे उनका संबंध विषय सामग्री से ही या विधि से है, ठीक है। तो पाठ योजना का सिंपल सी बात है दोस्तों, पढ़ाने से पहले की गई तैयारी कि आपको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है। दोस्तों आपसे एक और सवाल पूछता है कि पाठ्य निर्माण के सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण के, हमने यहाँ पे गलती से इतिहास लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है भूगोल पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। जब अगर आप भूगोल का पाठ्यक्रम बनाते हैं तो आप बाल केंद्रित का सिद्धांत, समुदाय केंद्रित का सिद्धांत, गतिविधि केंद्रित का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत और दूरंदेशी का सिद्धांत, रूढ़िवादी सिद्धांत, नवीनीकरण सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत, प्रेरणा सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत, जीवन के लिए तैयारी सिद्धांत, लचाय लचीलापन सिद्धांत। दोस्तों ये वही सिद्धांत है जो आपने पाठ्यक्रम और ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में पढ़ा था, ये सारे वही सिद्धांत है। तो आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि भूगोल के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करिए, किसी दो या तीन या चार की व्याख्या करिए। तो हम व्याख्या के तौर पर बाल केंद्रित सिद्धांत को लिखते हैं। बाल केंद्रित सिद्धांत का मतलब होता है कि जब हम पाठ्यक्रम निर्माण के समय बालक की आवश्यकता, उसकी रुचि, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो वह पाठ्यक्रम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। उसके अलावा जैसे हम लचीलेपन के सिद्धांत, जब हम पाठ्यक्रम को बनाते समय उसको लचीलेपन, यानी कि हम उस पाठ्यक्रम को ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कठोर या फिर ना ही बहुत ज़्यादा ही आसान बनाते हैं, मतलब एक ऐसा पाठ्यक्रम जो हर एक वर्ग के बच्चों के लिए सही हो, तो उस प्रकार के पाठ्यक्रम को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पाठ्यक्रम के लचीलापन का सिद्धांत। और भी बहुत देख लीजिए, जैसे कि हम बात करें कि जीवन की तैयारी के सिद्धांत, मतलब एक ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण जो छात्रों को, विद्यार्थियों को भविष्य के जीवन निर्माण की तैयारी करता हो, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉइंट आपसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत, चाहे आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, अगर उसमें पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत बोलता है तो इन बिंदुओं को याद रखिए, और इसके अलावा दो चार को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, पूछा क्या, एक सवाल तो आपको आना ही है, वो सवाल ये है दोस्तों कि अपने विषय वस्तु से किसी एक प्रकरण पर एक टॉपिक पे आपको लेसन प्लान बनाना है, पाठ योजना बनाना है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। पाठ योजना की जो वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कमेंट का फर्स्ट कमेंट भी उस पाठ योजना का लिंक रहेगा। पाठ योजना की एक सेपरेट वीडियो बनी गई है भूगोल पे, ठीक है। तो भूगोल के उस पाठ्यक्रम को, पाठ योजना को आप देख लीजिए, क्योंकि आपको एक पाठ्यक्रम तो आपके एग्जाम्स में लिखना ही होता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी अपनी सेल्फ स्टडी, तो प्लीज़ आप एक बार सेल्फ स्टडी जरूर करिए। बाकी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे फीडबैक के लिए कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत।